वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सो लेट्स गो सो गाइज मैं यहाँ पर साइड में आ गई हूँ बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा डेमो दिखने वाला है कैसे मैं ऑर्डर बुक करने वाली हूँ आज तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन ले लिया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है तो यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगी तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं जाऊँगी शिप रॉकेट में और शिप रॉकेट को ऑन करने के बाद तो सबसे पहले आपने जाना ऑर्डर्स में उसके बाद आपने ये प्लस का साइन दबाना है देन आपको लिखा आ जाएगा क्विक शिपमेंट एंड देन आपने प्रोसीड कर देना है उसके बाद यहाँ पर मेरा एड्रेस शो हो रहा है आप अपना एड्रेस इसमें ऐड पिकअप करके लिख भी सकते हो ऐड पिकअप एड्रेस पे आप लिख सकते हो ठीक है अपना एड्रेस और अगर, अगर आपने अपने किसी कस्टमर का डालना है तो सबसे पहले आप कोई भी पिन कोड डाल दीजिए मैं यहाँ पर एक कस्टमर का पिन कोड डाल रही हूँ सो पिन कोड डालने के बाद यू हैव टू ऐड द वेट ऑफ योर ऑर्डर तो मेरा स्क्रंचज़ का ऑर्डर रहता है तो जीरो पॉइंट ट्वेंटी मीन्स दो सौ ग्राम मेरा आराम से इतना ही होता है इससे ज़्यादा नहीं होता है बहुत हल्का पार्सल रहता है स्क्रंची का तो मैं कम वेट डाल रही हूँ उसके बाद आपने मेजरमेंट डाल देनी है आप अपने पार्सल को मेजर करके यहाँ पर सारी मेजरमेंट्स लिख सकते हो उसकी एंड देन उसके बाद आपने जाना है प्रोडक्ट डिटेल्स पे अब प्रोडक्ट का क्या नेम है मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्रंची ठीक है एक सेकेंड तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी स्क्रंची यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले भी डिटेल्स काफ़ी ऑर्डर्स की फिल की हुई थी तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा सारी डिटेल्स आ रही हैं तो मैंने वहाँ क्लिक कर दिया डायरेक्ट और अब आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट में तो कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड तो मैं हमेशा प्रीपेड सिलेक्ट करती हूँ तो मैं प्रीपेड सिलेक्ट कर लूँगी उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करूँगी और उसके बाद जितने भी कूरियर अवेलेबल होंगे फॉर दैट पिन कोड दैट एड्रेस आपको सब कुछ दिखेगा तो यहाँ पर अमेजोन दिख रहा है सेवेंटी फ़ोर रुपीज़ डिलीवरी है नाइन्टी फाइव ई कॉम है डी टी सी है एटी नाइन रुपीज़ ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये जो पिन कोड है ये अरुणाचल प्रदेश का है तो इसी लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली दिखा रहा है लेकिन अगर कोई आस पास का पिन कोड होता है या लाइक तमिलनाडु टाइप तो वहाँ पर भी आपको फिफ्टी रुपीज़ आराम से लगेगा बहुत रीजनेबल पड़ जाता है बट ये अरुणाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है दूर पड़ता है मे बी इसलिए यहाँ पर भी ज़्यादा चार्जेस दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर सबसे सस्ता चूज़ कर लूँगी विच इज़ अमेज़ोन तो अमेज़ॉन में करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया अमेज़न कुरियर ओके सो okay. so यहाँ पर आ रहा है कस्टमर डिटेल्स तो मैं यहाँ पर अब कस्टमर की डिटेल डाल देती हूँ तो श्रुति मेहरा ईमेल आईडी आई आपने डाल सकते हो कस्टमर की जिसको आपने नोटिफिकेशन भिजवाना है फॉर द ऑर्डर कि पैक हो गया है डिस्पैच हो गया है आउट फॉर डिलीवरी है ये सब तो मैं अपना ही ईमेल डाल रही हूँ उसमें एंड देन आपने फ़ोन नंबर डालना है अपने कस्टमर का ठीक है ये भी मैं स्किप कर रही हूँ अभी यहाँ पर आपको डाल के नहीं दिखा रही हूँ फ़ोन नंबर एंड उसके बाद आपने डालना है उनकी एड्रेस डिटेल्स ओके सो so, ऑप्शनल वाली चीज़ें आप छोड़ सकते हो अगर उन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई हैं आपको तो यहाँ पर देखिए सिटी और स्टेट अपने आप लिखा आ गया बिकॉज हमने पिछले स्टेप में जो है पिन कोड डाला था एंड देन आप क्रिएट शिपमेंट पे क्लिक कर सकते हो मोबाइल नंबर ज़रूर डाल देना मैंने यहाँ आप पर आपको डाल के नहीं दिखाया है सो so, अब चलते हैं क्रिएट शिपमेंट पर तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ क्रिएट शिपमेंट एंड अब क्रिएटिंग ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है एंड देन यू कैन सी यहाँ पर कि आपका ऑर्डर जो है पिकअप फॉर योर ऑर्डर हैज़ बीन केड्यूल्ड सक्सेसफुली एंड अब आपके पास आ रहा है डाउनलोड लेबल का ऑप्शन और जनरेट मैनिफेस्ट प्लस अनदर ऑर्डर तो आपने यहाँ पर क्या करना है अगर आप देखिए मैं क्या करती हूँ मैनिफेस्ट नहीं निकलवाती हूँ अगर बहुत सारे ऑर्डर हों तो आप मेनिफेस्ट निकलवाइए अगर एक ही ऑर्डर है तो मैनिफेस्ट की इतनी कोई खास नीड है नहीं जो पिकअप बॉय आता है वो मेरे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं पूछता कि मैनिफेस्ट है या नहीं आपके पास तो यहाँ पर मैं सीधा डाउनलोड लेबल पर क्लिक करूंगी एंड देन पी डी की फॉर्म में आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना पी वाली तो वो आपकी आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो है एक लेबल निकल के आ गया है कस्टमर का अब आपने क्या करना है इस लेबल को आपने प्रिंट करवाना है थ्रू अ प्रिंटर तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो शिप प्रोक इतना ही था फ़ोन से तो वो मैंने आपको दिखा दिया है सो तो ये हो गया लेबल की बात कि लेबल बनाना कैसे है अब इसके बाद आपने सिर्फ प्रिंटर वाली दुकान पे जाना है एंड तो देन उनको ये सेंड कर देना इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो या फिर इसको पीडीएफ के की फॉर्म में उनको शेयर कर दो वो आपको निकाल के दे देंगे उसके बाद कुछ इस तरीके के पेज पर आपके पास लेबल आ जाएगा एंड तो देन आपने अपनी पार्सल वाली जो पन्नी होती है उस पर आपने इसको पेस्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ टेप ध्यान रखना कि बार कोड नहीं फटना चाहिए या रब नहीं होना चाहिए जब आप टेप्स की हेल्प से तो उसको लगा रहे हो ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो अभी चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ पैकिंग एंड पिकअप का क्या प्रोसेस रहता है सिलेट्स को सो आईज अब मैं यहाँ पर पहले क्या कर रही हूँ मार्कर से दोनों साइड अपनी साइन कर दूंगी और जो नोट मैंने आपको बताया है कि सेफ्टी पर्पस के लिए आपको लिखना चाहिए वो नोट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसके बाद जो आपने लेबल प्रिंट कराया है वो आपने इसके अंदर डालना है या या तो आपके पार्सल के ऊपर पन्नी हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हो या टेप की हेल्प से भी चिपका सकते हो इसको उसके बाद मैं इसको फोल्ड करके अंदर डाल दूंगी एंड देन आपने ये करना है अपना पार्सल लेना है जो भी आपको प्रोडक्ट है उसको अंदर डालना है एंड देन जो जो ऊपर आपको टेप दिखेगी ना इस तरीके से वो आपने निकाल देनी है एंड देन पार्सल को पेस्ट कर देना है फोल्ड करके पेस्ट कर दोगे तो आपका पार्सल जो है वो चिपक जाएगा देन आपने क्या करना है अगर आपके पास तो कोई स्टिकर है अपने ब्रांड का तो आप वो लगा सकते हो नहीं है तो वो भी चलेगा तो मैं यहाँ पे अपना ब्रांड का स्टिकर लगा रही हूँ एंड मेरा जो पार्सल है पिकअप होने के लिए एकदम रेडी है तो अभी चलिए पिकअप मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है तो जैसे ही आपका पार्सल पैक हो जाएगा उसके बाद आपके पास कॉल आएगा पिकअप बॉय का एंड देन आपने उसको हैंड ओवर कर देना है आपके ही एड्रेस पर लेने आ जाएगा एंड देन आप इसको हैंड ओवर कर सकते हो सो गाइज आई होप आपने सारा प्रोसेस देख लिया होगा आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कोई न्यू वीडियो का सजेशन आप देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जो भी बिज़नेस करते हैं उनके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हैश टैग और स जी के साथ मुझे कॉमेंट कर देना अगर आपको न्यू वीडियो में शाउट आट चाहिए तो सो so, मिलती मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर